हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का। नए टॉपिक का नाम है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, हर पॉइंट पे हम लोग डील करेंगे। कुछ इस वीडियो में डील करेंगे, कुछ इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डील करेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा कि किस तरह से हम वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध स्थित हो तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टता में संबंध क्या होगा वो जानेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो। ध्यान से समझिएगा, हम लोग को क्या करना है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम वोल्टता तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है प्रतिरोध, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध स्थित हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब परिपथ में केवल धारिता स्थित हो। उसके बाद पढ़ेंगे जब परिपथ में केवल प्रकत्व स्थित हो। फिर उसके बाद हम लोग एलआर सर्किट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीआर सर्किट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एलसी सर्किट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एलसीआर सर्किट की बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे पॉइंट को आप लोग जरूर समझिए, जरूर देखिए। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो उस स्थिति में किस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर की बात करेंगे। फिगर को ध्यान से आप समझिए, देखिए देखिए। सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम फिगर बना देते हैं इस तरह से। ये जो है आपका डिनोट करता है, क्या चीज का डिनोट करता है बताइए, ये किस चीज को डिनोट करता है? ये जो है वो प्रतिरोध कैपिटल आर को डिनोट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये प्रतिरोध कैपिटल आर को डिनोट करता है। और ये जो है वो प्रत्यावर्ती स्रोत है। क्या है? प्रत्यावर्ती स्रोत है। यहाँ पर वोल्टता जो होगा V=V0 sin ωt हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल और केवल ओमीय प्रतिरोध स्थित हो तो उस कंडीशन में हम धारा और वोल्टता में कैसे संबंध स्थापित करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लिया कि कोई परिपथ है जिसमें प्रतिरोध कैपिटल आर है और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कैपिटल आई है। तो हम लिखते हैं क्या, माना परिपथ में लगे तार का प्रतिरोध, माना परिपथ में लगे तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है। तार का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर है। तथा प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता वोल्टता V=V0 sin ωt है। जैसे कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता जो होती है V=V0 sin ωt होती है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम जानते हैं ओम के नियम से,
ओम के नियम से, बताइए ओम के नियम आप लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं बताइए जल्दी फटाफट। कैपिटल आई इज इक्वल टू वी बाई कैपिटल आर, कैपिटल आई इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, वी बाई कैपिटल आर लिखेंगे, और वी के जगह पर हम वी का मान पुट करते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई कैपिटल आर करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई कैपिटल R और ये साइन ओमेगा T लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई कैपिटल R इंटू साइन ओमेगा T लिख सकते हैं, जहां पे वी नॉट बाई R को लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या वी नॉट बाई कैपिटल R इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और आप जानते हैं शिखर मान को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई नॉट से, सो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का मान मिल गया, ध्यान से समझ लीजिए क्या मिल गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा T, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का मान मिल गया। हम इसको और हम डिटेल में कर सकते हैं, इसको ग्राफ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये जो है वो भी को डिनोट करता है और ये जो है वो आई को डिनोट करता है, मीन्स हम लिख सकते हैं ये डॉटेड लाइन जो है वो आई को डिनोट करता है और ये जो लाइन है वो भी को डिनोट करता है। नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इधर लिख लेते हैं, ये डॉटेड लाइन जो है वो आई को डिनोट करता है और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो भी को डिनोट करता है, ये आई और भी रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान से, मान के साथ साथ घटता भी है और बढ़ता भी है। तो यहाँ पर आई का जो मान है, देख सकते हैं कि भी के साथ ये कभी ऊपर की ओर जा रहा है, कभी डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है वही मान प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता के लिए भी लागू होता है, क्योंकि दोनों के मान जो होते हैं एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम मिटाएंगे तो मिटाने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसके आगे बात करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, जब दोनों के मान एक साथ वृद्धि होती है और एक साथ घटती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों के अनुपात जो होंगे, यानी कि I इज इक्वल टू वी बाई आर का जो अनुपात होगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, जहां अनुपात वी बाई आई अनुपात में लगे परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर होता है, लिख सकते हैं जहां कैपिटल आर इज इक्वल टू वी बाई आई के अनुपात के बराबर होता है, अतः हम लिख सकते हैं क्या आर इज इक्वल टू वी बाई आई, क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू वी बाई आई,
और वी के जगह पर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे और आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं। ये साइन ओमेगा टी कट जाएगा और हम क्या करते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट करते हैं। अब क्या करते हैं ऊपर नीचे रूट टू से भाग देने पर आप ध्यान से समझिएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू से भाग दे दिए, इसमें भी आई नॉट बाई रूट टू से भाग दे देंगे। तो आप जानते हैं सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू और आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग ये वीडियो मीन्स आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो भी थ्योरी होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कभी भी आप क्लास करिए तो रेगुलर क्लास अटेंड करिए। जब रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा तो आप श्योर मानिए कि संजय सर के जो क्लास होंगे उसमें आपको डाउट नहीं होंगे। लेकिन डाउट आपको कब होगा जब आप अल्टरनेट क्लास करते हैं तब। अगर अल्टरनेट अगर आप भोजन कर नहीं सकते हैं तो अल्टरनेट क्लास क्यों करते हैं। अगर क्लास करना है तो आप रेगुलर करिए, रेगुलर क्लास करते हैं तभी आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास करिए। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या आर इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। तो इस तरह से ये हमारा प्रतिरोध का एक तरह से मान हो गया। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार शुद्ध प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती धारा हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझिए, लिखेंगे इस प्रकार शुद्ध प्रतिरोध क्या, शुद्ध प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती धारा के लिए व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि दिष्ट धारा के लिए। ध्यान से समझिए जो शुद्ध प्रतिरोध का जो मान होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए वही मान दिष्ट धारा के लिए भी होता है, मतलब दोनों धारा में कोई प्रतिरोध के मान में अलग अलग नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो उस कंडीशन में प्रतिरोध विद्युत धारा और विभवांतर में या वोल्टता में क्या संबंध होगा। तो ये हम कर दिए कि जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध हो तो विद्युत धारा आई और वोल्टता भी में क्या संबंध है इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल वो आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने के लिए। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं और हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।
देखिए जो भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो कोशिश करिए इस न्यूमेरिकल को समझने का। यदि समझ में आ गया होगा तो खुद से बनाइएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल 250 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 250 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज का एक प्रत्यावर्ती स्रोत एक प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ये प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध है जुड़ा हुआ। परिपथ में धारा का वर्ग माध्यमूल, परिपथ में धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात, तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान और औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पहले हम लोग नोट करते हैं। ध्यान से समझिए, जो दिया है यहां पर वी आरएमएस इज इक्वल टू 250 वोल्ट दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, पूछ रहा है। और आर दिया है 25 ओम दिया है, पूछ रहा है क्या वर्ग माध्य मूल मान आर आई आरएमएस पूछ रहा है और पी आरएमएस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी पूछ रहा है, पावर मतलब शक्ति, इसको हम औसत शक्ति पूछ रहा है। तो औसत शक्ति को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आई आरएमएस पूछ रहा है लिख देंगे वाट, पी औसत शक्ति पूछ रहा है लिख देते हैं वाट। तो हम लोग जानते हैं सिंस, ध्यान से समझिएगा, सिंस आर इज इक्वल टू वी आरएमएस बाई आई आरएमएस पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। यदि आई आरएमएस अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी आरएमएस बाई कैपिटल आर कर सकते हैं। वी आरएमएस का वैल्यू आप देखिएगा 250 दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया है 25, ये 25 कट जाएगा। सो हम लिख सकते हैं आई आरएमएस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा आई आरएमएस का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, औसत शक्ति का मान निकालते हैं। तो औसत शक्ति इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं औसत शक्ति पी बार इज इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू हम भी जानते हैं ये आर, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं आर, चूंकि आप लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पढ़े हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़े हैं आपको याद होना चाहिए। जब हम लोग विद्युत धारा का जो चैप्टर पढ़ रहे थे
तो विद्युत धारा में हम लोग पढ़े थे पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर भी वही है औसत शक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर करते हैं। अब देखिएगा आई आर एम एस का स्क्वायर यानी कि 100 और आर के जगह पर हम 25 करते हैं तो लिखेंगे क्या, सो औसत शक्ति इज इक्वल टू 2500, और आप जानते हैं शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, हम वाट लिख दिए। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। हम क्या किए फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं कि जो जो वैल्यू दिया उसको हम पहले नोट कर देते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई आर एम एस हमें निकालना है, तो हम जानते हैं आर इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस, हमें आई आर एम एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई कैपिटल आर, और दोनों का वैल्यू पुट करके हम आई आर एम एस 10 एम्पियर निकाल लेते हैं, और औसत शक्ति बराबर आप जानते हैं आई स्क्वायर आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो 2500 वाट आता है। अब सवाल ये करिएगा कि सर ये फ्रीक्वेंसी दिया है, आवृत्ति दिया है 50 हर्ट्ज, इसको तो आप कहीं यूज ही नहीं किए हैं, तो आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो हमें वैल्यू यूज करना है वही हम क्या करते हैं यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो जो वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया है उस सबको यूज करना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये था पहला न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, इस न्यूमेरिकल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल, एक 100 वाट का विद्युत बल्ब, एक 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की एसी 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 का मतलब अल्टरनेटिंग करंट विद्युत आपूर्ति पर कार्य करता है, विद्युत आपूर्ति पर कार्य करता है, कार्य करता है, परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए फर्स्ट पॉइंट में बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, और सेकेंड पॉइंट में कह रहा है क्या बल्ब में प्रवाहित वर्ग माध्य मूल धारा, तथा लिख देते हैं सेकेंड में बल्ब में प्रवाहित प्रवाहित वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल धारा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम तो क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करते हैं ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, यदि आप ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में ये पता चल जाता है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, इसलिए हम भी एक बार पढ़ रहे हैं, आप भी एक बार पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि एक 100 वाट का विद्युत बल्ब,
220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की एसी विद्युत आपूर्ति पर कार्य करता है। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट। तो परिकलित कीजिए बल्ब का प्रतिरोध तथा बल्ब में प्रवाहित धारा वर्ग माध्य मूल मान धारा। तो हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं। P इज इक्वल टू 100 वाट दिया है। क्या दिया है? P इज इक्वल टू 100 वाट दिया है। और ये विद्युत बल्ब VRMS का जो मान दिया है 220 वोल्ट दिया है। फ्रीक्वेंसी F दिया है 50 हर्ट्ज। और पूछ रहा है क्या? R पूछ रहा है, R इज इक्वल टू वाट। और बल्ब में प्रवाहित वर्ग माध्य मूल धारा यानी कि IRMS पूछ रहा है। इतना हम लिख दिए हैं, आपको करना क्या है? यदि आप इतना लिखना सीख गए हैं तो पक्का समझिए आपको न्यूमेरिकल बनाने आ गया होगा। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, किसी भी प्रकार का थ्योरी हो, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, यदि आपको इतना करने आ जाता है तो मान के चलिए कि आपको न्यूमेरिकल बनाना आ गया है। थोड़ा सा अब वैल्यू जो है उसको पुट करना सीखिए और कैलकुलेशन करना सीखिए। जैसे इसमें देखिए आर और आई आर एम एस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आई आर एम एस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पी और भी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, धारा का आप आर भी निकाल सकते हैं। सिंस आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर बाय पी। यहां पर आपको दिखाते हैं आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। ये हम लोग विद्युत शक्ति जब पढ़े थे तो वहां पर हम बताए थे कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी या पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये पढ़े हुए हैं। तो हम करते क्या है, ये भी के जगह पर भी का मान रखते हैं 220 गुणे 220 करते हैं और पी के जगह पर 100 करते हैं। ये 010 कट जाएगा तो 22 का हमारा 484 ये ओम हो जाएगा। इस तरह से प्रतिरोध हम ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आई आर एम एस। तो चूंकि आप जानते हैं आर इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस जानते होंगे, तो वी आर एम एस के जगह पर हम 220 करते हैं क्योंकि दिया है 220 और आई आर एम एस के जगह पर हमारा दिया है, हमें आई आर एम एस निकालना है, सॉरी। तो हम करते क्या है, इसलिए आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई कैपिटल आर करते हैं। वी आर एम एस के जगह पर हम क्या करते हैं 220 और R के जगह पर 484 लिख लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 0.455 एम्पियर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल। आप कोशिश करिए कि किसी भी टाइप का थ्योरी हो उस थ्योरी पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो ये जो वीडियो था ये हम लोग पढ़े हैं जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो, तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिरोध, उस कंडीशन में जो विद्युत धारा होगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती वोल्ट के बीच में क्या संबंध होगा, तो संबंध हम लोग ये पढ़े हैं R इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था, मीन्स इस जो टॉपिक था, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत वोल्टता तथा धारा के बीच में संबंध स्थापित का सबसे पहला पॉइंट था। कल हम लोग इसका सेकेंड और थर्ड, एक ही वीडियो में सेकेंड और थर्ड पढ़ेंगे। उसके बाद जो है LR सर्किट आएगा, फिर CR सर्किट आएगा, फिर LC सर्किट आएगा, फिर LCR सर्किट आएगा। बहुत सारे सर्किट हैं, बहुत आसानी से जिस तरह से ये आपको अगर वीडियो
मीन्स समझ में आ गया होगा, तो इसी तरह से बहुत इजी कॉन्सेप्ट में उस सारे वीडियो आपको समझाएंगे। तो आप उस सारे वीडियो समझने के लिए आप इसी तरह से रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि नए व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।